CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला व्यावहारिक लेखन। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कार्यक्रम रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। बेटा नरेंद्र। जी चाचा जी। कल तुमने स्ववृत्त तैयार करना तो सीख लिया था, मतलब बायोडेटा बनाना सीख लिया था। जी चाचा जी, ये देखिए। एक मिनट, तुम पढ़ के सुनाओ। सबसे पहले इस स्ववृत्त में मैंने अपना नाम लिखा है, फिर पिताजी का नाम, फिर माँ का नाम, और जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थाई पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल लिखा है। अच्छा, ये जो शैक्षणिक योग्यता है, इसके आगे विद्यालय या बोर्ड, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये नाम लिखे हैं क्या? जी 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 जी, बिल्कुल लिखे हैं। और किन विषयों में तुमने परीक्षा दी वो भी लिखा है? हाँ जी। और किस श्रेणी में तुम उत्तीर्ण हुए और कितने प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हुए, ये लिखा? सब कुछ लिखा है चाचा जी, बिल्कुल जैसा आपने बताया था। पर इससे, मात्र इस सब से ही बायोडाटा पूरा नहीं हो जाता। यदि उम्मीदवार अनुभवी है तो अनुभव की चर्चा व्यक्ति परिचय के तुरंत बाद डाली जा सकती है। जी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यानी अन्य संबंधित योग्यताएं या कुछ और जो भी आपके पास में योग्यताएं, उनका भी वर्णन करना चाहिए। हाँ, ये देखिए ना चाचा जी। लेकिन एक अहम दस्तावेज बनाना अभी तुम्हें सीखना बाकी है, और वो है आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन का जो लेटर होता है वो। अच्छा जी 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 जी। इस आवेदन पत्र के साथ हम स्ववृत्त को लगाते हैं और नियोक्ता को उसके विचार के लिए भेज देते हैं। मगर चाचा जी, जब स्ववृत्त में सारी जानकारियां दे ही दी जाती हैं, तो फिर अलग से आवेदन पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये अच्छा सवाल है। स्ववृत्त तो बना बनाया रखा होता है, विज्ञापन देखा और भेज दिया। सिर्फ स्ववृत्त यानी बायोडेटा से ये पता नहीं चलता कि उम्मीदवार पद और संबंधित स्थान को लेकर कितना गंभीर है। स्ववृत्त की एक कमी ये होती है कि ये सूचनाओं के सिलसिलेवार संकलन के रूप में होता है, इसमें भाषा का वो वैयक्तिक स्पर्श नहीं आ पाता। दूसरी ओर आवेदन पत्र हर विज्ञापन के लिए विशेष तौर पर लिखे जाते हैं। ये उम्मीदवार के भाषा ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता की तो जानकारी देते ही हैं, साथ ही ये भी दर्शाते हैं कि उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर गंभीर है या नहीं। अच्छा। नियोक्ता को योग्य उम्मीदवार की तलाश तो होती ही है, वो ये अपेक्षा रखता है कि चयन के बाद वो नौकरी में कम से कम कुछ वर्षों तक अवश्य टिके। आवेदन पत्र से बहुत कुछ इन बातों का भी आभास नियोक्ता को मिल जाता है। चाचा जी, आवेदन पत्र तो हम लोग स्कूल के जमाने से ही लिखते आ रहे हैं। नौकरी का आवेदन पत्र अन्य आवेदन पत्रों से अलग होता है चाचा जी? देखो, आवेदन का ढांचा या स्वरूप तो वैसा ही होता है जैसा अन्य दूसरे आवेदन पत्रों का होता है, लेकिन इसका उद्देश्य अलग होता है। पद के लिए अपनी योग्यता और गंभीरता के प्रति नियोक्ता का विश्वास जगाना। उद्देश्य की भिन्नता की वजह से इसकी विषय वस्तु अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न होती है। चाचा जी, फिर आप यह भी बता देना कि विषय वस्तु के अंतर्गत क्या होगा और हम उसे आकार कैसे देंगे? बेटे, इस प्रकार के आवेदन पत्रों की विषय वस्तु के मुख्यतः चार हिस्से होते हैं। वो क्या? पहला हिस्सा भूमिका का होता है, जिसमें उम्मीदवार विज्ञापन और विज्ञापित पद का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी की इच्छा प्रकट करता है। और चाचा जी, दूसरे खंड में? दूसरे खंड में उम्मीदवार ये बतलाता है कि वो विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में किस प्रकार सक्षम है। अच्छा। तीसरे खंड में उम्मीदवार पद और संस्थान के प्रति अपनी गंभीरता और अभिरुचि को अभिव्यक्त करता है। और चौथा खंड उपसंहार यानी फाइनली आवेदन पत्र की विषय वस्तु के औपचारिक समापन के लिए होता होगा। सही कहा ना मैंने चाचा जी? बिल्कुल सही कहा तुमने। चाचा जी, मुझे एक शंका थी। अभी अभी आपने बताया कि तीसरे खंड में उम्मीदवार पद और संस्थान के बारे में अपनी गंभीरता को अभिव्यक्त करता है। जी। यह बात पूरे तौर पर मुझे कुछ साफ नहीं हुई। देखो नरेंद्र, जिस प्रकार नियोक्ता अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनता है, उसी प्रकार उम्मीदवार को भी नियोक्ता का संस्थान पसंद आना चाहिए। तभी तो उम्मीदवार के लंबे समय तक टिके रहने की संभावना रहती होगी। हाँ, बिल्कुल सही। जब उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर गंभीर होता है तो वो उसके बारे में जानकारियां हासिल करता है और ये तय करता है कि वे उसके सपनों और भावी योजनाओं के अनुरूप हैं या नहीं।
अगर उम्मीदवार ने जानकारी जुटाने के बाद संस्थान को अपनी इच्छाओं के अनुरूप पाया है तो आवेदन पत्र में इसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा चाचा जी, नियोक्ता पर इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। चाचा जी, अभी तक तो मैं विज्ञापन के जवाब में केवल स्ववृत्त ही भेजा करता था, मगर अब मैं स्ववृत्त को आवेदन पत्र के साथ भेजा करूंगा। तो फिर शुभ कार्य में देर किस बात की जी? मैंने इस अखबार में तुम्हारे लिए अभी अभी एक विज्ञापन देखा है। दिखाइए। ये देखो, इंडिया केमिकल्स लिमिटेड को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत है। ओ, तुम इसके लिए आवेदन पत्र तैयार क्यों नहीं करते? जी चाचा जी। आवेदन का आवेदन होगा और इस बात की परीक्षा भी हो जाएगी कि अभी अभी तुमने मुझसे कितना सीखा है। ये लो, ये अखबार पकड़ो और लिखना शुरू करो। और हाँ, मैं पड़ोस में अपने एक मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम ये काम जल्दी पूरा कर लेना। जी चाचा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र। चाचा जी। हाँ, आवेदन पत्र पूरा हो गया? हाँ जी जी, देखिए देखिए। दिखाओ दिखाओ। मुझे विश्वास है कि तुम ये पद अपनी योग्यता के बल पर हासिल कर सकोगे। जी चाचा जी, धन्यवाद। अरे नरेंद्र, तुम यहाँ मुंबई में? जी चाचा जी। ये हाथ में क्या लिया आगे भाई तुम? चाचा जी, ये मिठाई का डिब्बा आपके लिए। क्यों? और ये गरम सूट भी। हाँ, पर ये सब मेरे लिए क्यों भाई? चाचा जी, आप ही की मदद से तो सब कुछ हुआ है, जानते ही हैं। तो मतलब नौकरी मिल गई है? जी चाचा जी। अच्छा, पहले अंदर आओ, फिर बात करते हैं। चाचा जी। रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के एक पाठ पर आधारित है। विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर संध्या सिंह, ध्वनियांकन बटी लैंगडिंगडो और शानू मुक्सीम, कलाकार बाबला कोचर और रक्षित थपलियाल, आभार अजीत होरो, निर्देशन निर्माण तथा ध्वनि संपादन विमलेश चौधरी और प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।